व्यूअर्स, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। दिस इज शगुफ्ता व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी और आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में जब ज़्यादा सब्जियां आ जाएं, करेले ज़्यादा आ जाएं, तो उनको किस तरह से करेलों को सेव करके आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप उनको 6 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूँगी और जब आप इनको स्टोर करके रखेंगे देन आप इनको दोबारा से बनाएंगे और इस तरह लगेगा जैसे आपने फ्रेश करेले बनाए हैं। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल के आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले, मैं अब इन करेलों को वॉश नहीं करना, विदाउट वॉश इनको क्या करते हैं, इनको कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद मैं आपके पास आती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने तकरीबन सभी करेले जो है कटिंग कर लिए हैं। एक करेला रह गया था, मैंने आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, इसका कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से जो है इसकी स्किन उतार देते हैं। इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा फादियत होती है तो इसको जो है उतार के सारा कुछ उतार देते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन और बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स पाया जाता है और सारा कुछ उतार देंगे और फ़ायदा इससे क्या होगा। तो मैं इसकी स्किन नहीं उतारती और अगर आप चाहें तो इसकी स्किन रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ इसकी फ्रंट से और बैक से जो है इसको लाइट सा रिमूव करेंगे, देन इसमें एक कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो है इसके अंदर से बीज हैं वो हाथ की हेल्प से, अगर आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से, स्पून की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें, मैं इस तरह से निकालती हूँ, इजीली जो है वो निकल जाते हैं। अल्लाह ताला ने हाथ किस लिए दिए हैं, काम करने के लिए दिए हैं और इजीली, ये देखें, इजीली इसको हाथ से पकड़ के, ये देखें, इसको हाथ से यूँ दबाते जाएँ, बीज खुद ब खुद सारे के सारे निकल जाएँगे। और इसको जिस साइज़ में आप कटिंग करना चाहें इजीली आप इसको कटिंग कर दें, बारीक बारीक इसको आप बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें। अगर आप इसको गुलाई में कटिंग करना चाहते हैं गाइस, तो गुलाई में करें जिस तरह आपको सूट करता है। ये थोड़ा बड़ा था, मैंने इसमें सेंटर में कट लगा लिया है और इसको बारीक बारीक जो है मैं कटिंग कर लूँगी। ओके, तो व्यूअर्स, ये सारे करेले मैंने कटिंग कर लिए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको सेव करने के लिए सिरका लगाते हैं और कुछ लेमन लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगी कि किस तरह से करेलों को सेव किया जाता है। ये देखें, मैंने सारे के सारे जो हैं कटिंग कर लिए हैं और इनको वॉश बिल्कुल नहीं करना। वॉश करने के बगैर आपने इनको सेव करना है। अगर वॉश कर लेंगे तो ये गलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इनको वॉश किए बगैर व्यूअर्स क्या करेंगे, कोई भी घर में जो शॉपर होता है, कोई भी एक शॉपर लेंगे और सिंपली इनको वॉश नहीं किया, जस्ट इनको कटिंग किया है, मैं फिर आपको बताती चलूँ। और इनको कटिंग करने के बाद सिंपली कोई भी शॉपर लेंगे और उसके अंदर सारे के सारे इनको डाल देंगे और डालने के बाद हल्की सी इसको गिरा लगा देंगे। इस तरह से गिरा लगा कर इसको हम फ्रीज कर देंगे। इसको कूलिंग पे बिल्कुल नहीं रखेंगे, अगर कूलिंग पे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो व्यूअर्स, इनको हम फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ कर देंगे और 6 मंथ तक आप जो है इसको फ्रेश रहेंगे। 6 मंथ के बाद भी आप इसको निकाल के जब बनाएंगे और तो ये फ्रेश ही होंगे। निकालने के बाद 2 घंटे इनको नमक लगा कर रखें और बिल्कुल इनको जिस मेथड से बनाते हैं उसी मेथड से आप बना लें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, करेलों को किस तरह सेव किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर व्यूअर्स आप देखना चाहते हैं कि मैं किस मेथड से करेले बनाती हूँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, मैं आपके लिए करेलों की जो है रेसिपी भी लेकर आऊँगी। मिलते हैं फिर किसी और नई सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।